अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं खट्टे आलू। खट्टे आलू बनाने के लिए मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू ली हूँ, उसको बॉईल करके छोटे छोटे पीस कर ली हूँ। इसको बनाने के लिए लेंगे 1/2 टीस्पून राई, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, कड़ी पत्ता और ये इमली का पानी है। मैंने इमली को भिगा के रखी थी। और मैंने एक पैन गरम करेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें राई और कड़ी पत्ता डाल देंगे और इसको 5 सेकंड तक का भुनेंगे। जब राई के दाने फूटने लगे उसके बाद जो हमने आलू बॉईल किए थे वो आलू भी इसमें डाल देंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैंने बॉईल आलू डाल दी हूँ इसके अंदर, इसको फास्ट फ्लेम पे पकाएंगे, इसको थोड़ा ब्राउन करेंगे। तो ये हमारा आलू ब्राउन हो चुका है। अभी इसके अंदर मैं नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। नमक डाल के इसको 30 सेकंड के लिए इसको मिक्स करेंगे और पकाएंगे इसको। जब ये मिक्स करके हो जाएगा तो हल्दी पाउडर और चिली पाउडर डाल देंगे इसमें और उसी के साथ में जो हमने इमली का पानी बनाए थे वो इमली का पानी भी इसी में डाल देंगे और इसको अच्छा भुनेंगे पानी इसका सूखने तक का। फास्ट पे ही पकाना है इसे, स्लो पे नहीं बनाना है। जब ये अच्छे से हमारा भुन के हो जाएगा मिक्स करके तो इसमें ऊपर से धनिया पत्ते डालेंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करना, शाम की चाय के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये धनिया पत्ते डाल के इसको मिक्स करें और इसको सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में भी लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।